वो पेरीमीटर, वो पेरीमीटर से हम लोग मापते हैं कि हमारा जो कितना बाष्पीकृत हो गया है 24 घंटे में। तो इसके लिए हम लोग करते क्या, जैसे आज हमने डाटा ले लिया है, 24 घंटे बाद दोबारा से डेटा लेते हैं और डेटा लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें से इवोपरेशन कितना हो गया। इस तरीके से हम लोग इवोपरेटरी लॉस को मापने के लिए ओपन पेन इवोपेरीमीटर का यूज करते हैं। धन्यवाद, और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।